बेड़े वहां से सादे बेड़े लाहौर में अगर पराठे ही खाने हैं तो फिर मजंग के परौंठे या पराठे, लेकिन इसका अपना असल नाम है माशाल्लाह मजंग पराठे। हमारे पास पराठे होते हैं, आलू वाला पराठा होता है वो फेमस है, और चिकन वाला, ये दोनों पराठे ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद वैरायटी के तौर पे हमारे पास कीमा, गोभी, दाल, मूली, आलू, आलू अंडा और सादा पराठा आमलेट होता है। मैं लाहौर में रहता हूँ, ये दोस्त है मेरे सियालकोट से हैं, मुझे 8-10 साल हो गए हैं रहते हुए। स्पेशली हम अफ्तारी सरी यहीं से करते हैं, रमज़ान में बहुत ज़्यादा आते हैं, और मेरे जितने दोस्त आते हैं मैं सबको ज़रूरी यहाँ पे माशाल्लाह पराठे खिलाता हूँ, और सब बहुत इंजॉय करते हैं और सबको बहुत मज़ा आता है। मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, अभी तक तो खाना टेस्ट नहीं किया, उसके बाद ही आपको कमेंट बता सकता हूँ कि कैसा टेस्ट है। तीन चार साल हो गए हैं तब से, मतलब इधर लाहौर में हो तो तब से। इनके टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, 3 से 4 साल में से हम इधर आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, और एक मंथ में हमारे 1-2 चक्कर इधर लगते ही रहते हैं। मोस्टली डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मतलब टेस्ट है, मुझे तो इनका जो बीफ है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और आई सजेस्ट टू पीपल के वो इधर आएँ और खाएँ, टेस्ट करें। इनका बीफ वाला पराठा बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए हम ना 1 मंथ में 2 से 3 बार लाजमी जाए। लस्सी, चाय, दूध, दही वगैरह, ये चीज़ें हमारे खाने पीने की हैं। हमारी 24 आवर सर्विस है, और हमने अपने मियार को कभी गिराया नहीं। पैसा आने में जाने वाली चीज़ है, हम लोग मटेरियल में कभी कमी पेशी नहीं होने देते, इसीलिए अल्लाह की मेहरबानी से हमारा कारोबार 12 महीने 24 घंटे एक जैसा रहता है। आलू वाला, दाल वाला, चिकन वाला, कीमे वाला, माशाल्लाह सब अच्छे हैं, मूली वाला, गोभी वाला। कितने अरसे साहब आ रहे हैं? 40 साल हो गए, सामने भी होती थी दुकान उनको। आलू वाला, दाल वाला, चिकन वाला, कीमे वाला, माशाल्लाह सब अच्छे हैं, मूली वाला, गोभी वाला। कितने अरसे साहब आ रहे हैं? 40 साल हो गए, सामने भी होती थी दुकान उनको। काफ़ी बार आते जाते हैं यहाँ पे वीक में 1-2 बार, बहुत टेस्टी पराठे हैं इधर, तो दोस्तों के साथ गैदरिंग बनी है तो हम इधर आए। मुझे भी इधर काम करते हुए 15-16 साल हो गए हैं, तो काम ये बहुत अरसे से चल रहा है। तकरीबन इनके जो दादा थे वो चलाते थे पहले, उसके बाद इनके पापा चलाते थे, अब ये चला रहे हैं, इनके बेटे भी आते जाते हैं। दादा है, कितने पराठे दिन में बन जाते हैं? हमारा एक एक पराठे का हिसाब नहीं होता, हमारा बोरियों का हिसाब होता है आटे का, कि कितनी बोरियां लगी हैं, फिर उसकी परसेंटेज के हिसाब से सेल आगे पीछे का। एक एक पराठा या 2-2 पराठे कहाँ से लगे, ये कभी हमने गिनती नहीं। इनका आलू वाला काफ़ी अच्छा है, इनका जो खाने में टेस्ट है काफ़ी अच्छा टेस्ट है आलू वाला। तो हमें काफ़ी देर हो गई, हम यहाँ पे 2 साल हो गए, हम 2 से ज़्यादा रहते हैं यहाँ, वैसे ही प्रोग्राम बनता है 2 सब 2 सौ यहाँ पर। मूली वाला इतना अच्छा नहीं, मतलब चिकन वाला खाते हैं जो आगे, हमारा रूटीन वाइज जो है जो आगे खाते हैं वो चिकन वाला ही, और कोई नहीं। यहाँ का माहौल भी अच्छा है, खुला एटमोसफियर है, आराम से यहाँ पे बंदा आता है, अपने गपशप कर सकता है, इंटरटेनमेंट कर सकता है। और सर जी, सबसे बेहतरीन यहाँ की रौनक बहुत अच्छी है, देखिए वो फोकस तो करें वहाँ। बाबा जी शादी करवा।